इस शहर को ये हुआ क्या? कहीं राख है तो कहीं धुआं धुआं। क्यों कोई कुछ नहीं बोलता? चुपचाप धुएं को क्यों झेलता? हो गई बर्दाश्त की अब इंतहा, बुझे सिगरेट पीढ़ी, दिखे चलती जहां। पब्लिक प्लेस पर सिगरेट पीना मना है, उल्लंघन करने पर होगा जुर्माना। धूम्रपान ना करें, ना करने दें, धूम्रपान पड़ेगा महंगा। लड़की कैसी होनी चाहिए पता है तुम्हें? देखते ही दिल को छूना चाहिए। इनमें से मेरे लायक कोई है क्या? मुझे कुछ लड़कियां अच्छी लगी हैं। अरे मैं अपनी बात कर रहा हूँ। ओ, मेरे दिल को छू ले ऐसी कोई लड़की मिली तो बताना, फिर देखते हैं। ओके बाय। इसे कोई पसंद ही नहीं आती, अब इसकी पसंद की कहां से लाऊं? देखते हैं। विनीता, अरे मैं हूँ। हाय आंटी, कैसी हैं? हाँ, कितने दिनों बाद मिली हो, बड़ी प्यारी लग रही हो। मम्मी पापा ठीक है ना? चलो चलो, चलते चलते बात कर लेते हैं। तुम ठीक हो ना? तुम्हारी पढ़ाई कैसे चल रही है? सुन तो, ये बता तूने इसे धक्का क्यों मारा? लड़कों में यही बुरी आदत है। बुरी आदत? देखिए, आपको कुछ गलत फहमी हो रही है। मैं कुछ सोचते हुए आ रहा था और इनको सामने आते दिखाने, इसलिए कैजुअली धक्का लग गया। प्लीज। कैजुअली? कैजुअली? तो फिर ये कैजुअली धक्का मुझे क्यों नहीं लगा? आप उस तरफ थी, मैं इस तरफ था, इसलिए नहीं लगा। रुको 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 रुको, यहाँ इतने सारे लोग आ जा रहे हैं, उन्हें तुम्हारा धक्का क्यों नहीं लगा? सिर्फ इसे ही धक्का लगा है? खूबसूरत लड़की को ही धक्का देते हैं? आपको ये लड़की खूबसूरत लग रही है? इससे बदसूरत लड़की मैंने आज तक अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखी है। क्या कहा? इसका चेहरा तुम्हें बदसूरत लग रहा है? Yes. कभी तुमने अपना चेहरा आईने में देखा है? रोज देखता हूँ। इसकी नाक देखो, इसकी आंखें देखो, इसका रंग देखो, इतनी खूबसूरत लड़की को तुमने कभी देखा है? सॉरी, आपका नजरिया, आपकी सोच, मुझे जाने दीजिए। पता है भगवान श्री कृष्ण ने गीता में क्या कहा है? गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि अगर किसी को धक्का लगे तो उसे सॉरी कहना, इसलिए सॉरी प्लीज। हे भगवान, इसने तुझे आँख मारी है। सच में आँख मारी? अरे सच में भगवान की कसम बेटा। ए मिस्टर, हेलो, सुनो, ए मिस्टर सुनो, यहाँ रुको। इतने गुस्से में क्यों हूँ? और तुम मुझसे रोड पर बदतमीजी से बात कर रही थी, उसका क्या? मैंने तो तुम्हें कुछ नहीं कहा। अपने आप को हीरोइन समझती हो क्या? अरे छोड़ो ना बद्री, मेरी बात सुनो। हम 2 साल पहले उस आंटी के घर पे रेंट पर रहते थे, तो उनसे मिलने आ रही थी, अचानक रास्ते में वो आंटी मिल गई। और अगर उन आंटी को पता चलता कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो तो वो मुझे तुमसे सावधान रहने के लिए कहती, यही तो प्रॉब्लम है। हाथ हटाओ। थैंक यू। एनीवे, मम्मी ने तुम्हें शाम को घर पे जलेबी खाने के लिए बुलाया है, आओगे ना? तुम जब भी बुलाओ तब तब मैं आता रहूं, ये बात कुछ अच्छी नहीं लगती। सोचो अगर
ये बात पिताजी को पता चल गई तो क्या होगा? वो सब मैं नहीं जानती, तुम्हें आना ही होगा। तुम्हारे लिए ही बनाया है बेटा, खाओ ना। हाँ आंटी खा तो रहा हूँ। हेलो बद्री हियर। हे, ना वो घर तुम्हारा है ना ही फोन। बद्री हियर, बद्री हियर, आई एम योर बाप हियर। हे डैड, हाउ आर यू मैन। हे, अमेरिका में मैं हूँ, तुम नहीं। तुम्हें शर्म नहीं आती लड़कियों के आगे पीछे घूमते? मैं खुद नहीं आया, इन्होंने बुलाया। ठीक है, क्या खा रहे हो? जलेबी डैड, इट्स रियली गुड यू नो। छे, फोन उन्हें दो। या भाई साहब, कैसे हैं आप? और भाभी जी कैसी हैं? हाँ बहन जी, मैं बोल रही हूँ, आपकी बच्ची कैसी है? हेलो, हाँ आंटी कैसी हैं आप? बेटी विनीता। अच्छा तुम लोग शादी कब कर रहे हो? मैं तो रेडी हूँ, यही कह रही है एक साल बाद करेंगे। hey, जल्दी शादी करके अपना घर बसाओ। मैं भी तो यही कह रही हूँ, पर मानते ही नहीं। अच्छा मुहूर्त निकाल कर इनकी शादी करवाते हैं। अच्छा ये बताइए, इंडिया कब आ रहे हैं आप लोग? बस बहन जी जल्दी आएंगे, आप तुम दोनों जल्दी से शादी कर लो। देखो तो कितने दुबले हो गए हो, और याद से राजू को भेज देना, ठीक है? पिछली बार जो पार्सल दिया था सारा खराब हो गया था, इस बार उसी के हाथ भिजवा देती हूँ। ओके कोई बात नहीं, मैं उसे भेज देता हूँ। इसे जरा बता दीजिएगा कि मच्छी बिरयानी कैसे फ्राई करते हैं, क्योंकि जिंदगी इसी के साथ गुजारनी है। देखो बेशरम कैसे हंस रही है। पागल, मैं चलूं आंटी? हे भगवान, तूने सुना ना वो क्या कह रहा था? इसीलिए कहती हूँ खाना बनाना सीख ले। अरे इसे अंदर क्यों आने दिया? वो एक नंबर का लोफर लड़का है, इसी ने विनीता को मार्केट में धक्का दिया था। लेकिन विनीता ने तो कहा कि वो उसका बॉयफ्रेंड है। अरे रे, लगता है जरूर उसने विनीता को अपने जाल में फंसा लिया होगा। मेरी मानो वो अच्छा लड़का नहीं है, समझी? Hey, change, come on, change, back pose. Wow, fantastic. Hello, यहाँ पिचकारी कौन है? पिचकारी कौन है? पिचकारी? या यहाँ कोई पिचकारी नहीं, हिचकॉक, अल्फ्रेड हिचकॉक। हाँ हाँ वही वही, तो कहाँ है वो? कहाँ क्या, सामने खड़ा है। आयला को आशीर्वाद दीजिए। हम मनिक लाल हूँ, हम आपके असिस्टेंट ज्वाइन करने आया हूँ। ज्वाइन करने आए हो? हाँ। वो भी बिना वैकेंसी के? जगह खाली नहीं है, जाओ यहाँ से। कोई तो जगह खाली होगी। कहाँ से खाली होगी? क्योंकि हम आपके पास सीएम का रिकमेंडेशन लेटर लेकर आया हूँ। सीएम का रिकमेंडेशन लेकर आया हो? अच्छा तो मेरा नाम सीएम तक पहुँच गया। ओके, सीएम ने तुम्हारी सिफारिश की है तो ज्वाइन हो जाओ। थैंक यू सर। तुम्हारा होलिया देखकर मुझे डाउट हो रहा है, सीएम का रिकमेंडेशन लेकर आए हो तो रखना तो पड़ेगा ही। देखो भाई, तुम्हें पता है मैं यहाँ क्या करता हूँ? हाँ हमको सब पता है, आप यहाँ लड़कियों के फोटो खींचते हैं। लड़कियों की फोटो खींचता हूँ? सत्यानाश, पहले किसी दुकान पे दूध बेचते थे क्या बाबू? देखो भाई, ये लड़कियाँ नहीं है, मॉडल है। दिस इज एड एजेंसी, इसके बारे में कभी और समझाऊंगा। अब तुम गीला कपड़ा लो और सब साफ। क्यों, ये लड़कियाँ नहा कर नहीं आई क्या? मैंने लड़कियों को साफ करने के लिए नहीं कहा। हा? फ्लोर, जमीन को। हाँ जमीन। हे स्वीटहार्ट, क्या खाओगे? ये चाइनीज डिश है। दिस इज इटालियन डिश फॉर फूड फेस्टिवल। ये हैदराबाद चार मीनार का दमका बिरयानी मैडम। दिस इज आंध्रा स्पेशल बुम्बीदला पुलुसु एंड पीतल इद्रू। मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए, बस दो प्लेट पानी पूरी ले आओ। या ओके। दो प्लेट पानी पूरी प्लीज। यस मैडम। हाय 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 हाय, क्या बात है, क्यों क्या बीड़ू, चिकन विकन खा रहा है क्या? वो भी नोच नोच के, बहुत टेस्टी है क्या? ये तंदूरी खाएगा तो ज्यादा मजा आएगा। एक प्लेट पानी पूरी देना। सॉरी। इट्स ओके। ये रही पानी पूरी। खाओ ना। एक प्लेट और ले आओ। बद्री पहले ये तो खाओ। ए, मैंने कहा ना एक प्लेट और ले आओ। पता नहीं इससे क्या हो गया। ओके 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 ओके। ए हीरो, क्या बात है रे?
अपुन के आदमी पे हाथ उठाता, तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? एक चुटकी बजाते पूरे शहर के फंटर इधर आ जाएंगे। ए, अबे ओ शाने, सुन रहा है कि नहीं? जवाब दे। हाथ उठा रहा मुझ पे। देखिए ठीक है, देख मैं तुझे बच्चा समझ के छोड़ रहा हूँ, इसलिए तू कह रहा हूँ निकल ले यहाँ से। हाथ मत उठाना, देख मैं तुझे बोल रहा हूँ। देख इस एरिया में मेरी बहुत चलती है, इसलिए मुझ पर हाथ उठाने की गलती मत कर। तुझे मेरे बैकग्राउंड का पता नहीं है प्यारे। अपुन का बैकग्राउंड सुनेगा तो तू हिल जाएगा। अगर मैंने मेरे मामा को बुलाया ना तो वो तेरी चमड़ी उधेड़ के खाल सुखा देंगे। मामा मुझे बचाओ। मामा मामा ये क्या कर रहा है? मामा मुझसे नहीं संभल रहा। मामा ओए, इसको चिकन की तरह फ्राई करके बिरयानी में मिला दो। क्यों रे, इन्हें क्यों मार रहे हो? लड़की गुलाब जामुन जैसी है, इसीलिए इन्होंने चखना चाहा, और तुम इन्हें गधों की तरह पीट रहे हो। इनका अपराध क्या है? गुलाब जामुन जैसी, यही बोला था ना? हाँ यही। ये ले गुलाब जामुन। गुलाब जामुन सामने है, बोल क्या करना चाहता है। किस करने का इरादा है? किस करने को दिल कर रहा है? तो उसके लिए गेम खेलते हैं। हाँ, कौन सा गेम है? मैं अपना हाथ ऐसे रखूंगा और तू मेरे हाथों पर ऐसे मारेगा, और उसके बाद अगर तू मार पाया तो इसे किस करेगा। ऐसा हम तीन बार खेलेंगे और तीनों बार लगना चाहिए। तीन बार मारेंगे तो तीन बार किस करेंगे। लेकिन अगर एक बार भी मिस हुआ तो? मिस हुआ तो जितनी बार भी मिस करेगा उतनी बार पंच खाएगा। कहां मारोगे ये तो बताओ। मामा ये तो नीचे तक गया। थोड़ा ऊपर, थोड़ा और ऊपर। रिपेयर करना मुश्किल हो जाएगा। थोड़ा सा और ऊपर। ठीक है। ओके। हाँ ओके। ओके। आर यू रेडी? हाँ रेडी रेडी। लेट्स डू इट। चल चल चल, टाइम नहीं है, चल मार। किसका सवाल है? जल्दी करो जल्दी करो। आपने आपने ये गेम तो खेला होगा ना? जितनी बार मारोगे उतनी बार किस मिलेगी? ये तो मिस हो गया, अब पंच खाना पड़ेगा। डोंट वरी मामा, मारने दो, अगली बार देख के मारना, फिर किस मिलेगी। पंच मारने देना। हाँ ठीक है मारो। हाँ मामा, बस एक ही पंच तो खाना है, उसके बाद सब सेट रेडी। सीधे खड़े हो जाओ मामा, कुछ नहीं हुआ, एक ही पंच की तो बात है। रेडी रेडी रेडी। हाँ सेकंड राउंड, सेकंड राउंड, सेकंड। हाँ सेकंड। ये मामा किसका सवाल है, जलवा दिखा दो मामा। एक और मिस हो गया, दूसरा पंच खाना पड़ेगा, प्लीज। पंच खाना पड़ेगा बोल के क्या धमकी दे रहा है, तू जानता नहीं है मामा? फॉलोअर ये बात है। ओ प्लीज भाई, पेट टाइट कर लो मामा। अकेली लड़की को देखते ही छेड़ना शुरू कर देते हो। अरे मेरे से गलती हो गई, मेरे बाप अब तो जाने दो। अरे, अरे मामा झूठो मत, हार मत मानो मामा, इज्जत का सवाल है। अरे तीसरी बार मारो और किस कर लो, जल्दी जल्दी जल्दी, फटाफट फटाफट फटाफट, रेडी कम ऑन। अरे और कितना मार खिलाएगा भांजे? अरे मामा मैं आपके साथ हूँ, मुंह पे ताव दो और हाथ खोलो, चलो रेडी रेडी रेडी। हाँ रेडी है, रेडी रेडी, देख के मारना मामा किस मिलेगी। किस नहीं करने का है, चलो ठंडा पीते हैं। पिएंगे ना ठंडा, एक पंच के बाद 1/2। अरे मामा ये रिक्वेस्ट कर रहा है, मान जाओ ना यार, जल्दी करते हैं। ये रेडी है, रेडी है, टाइम नहीं है, देख मारो। हां मामा चलो मारो, पे टाइट। मामा हु इज द मैनेजर? यस सर। जो भी नुकसान हुआ है उसका बिल मेरे ऑफिस में भेज देना, मैं पे कर दूंगा। ओके सर। तुम ठीक तो? ओए आगे से संभल के रहना। ओके सर। सर लेकिन इनकी मरहम पट्टी कहां करवाऊं मैं? आताओ आताओ, कौन आ गया इतनी रात को परेशान करने के लिए? खोलता हूँ खोलता हूँ। अरे तुम फिर आ गए हमारी नींद खराब करने। ठीक है चिल्लाओ मत। ठीक है धीरे बात करता हूँ। बद्री कहाँ है? वो अंदर सो रहा है। ठीक है दरवाजा बंद कर लो। हाँ दरवाजा बंद कर लो। ओके जाओ। तुम जाओ। अरे इस लड़की को उनके साथ क्या लिंक है? खुद जाकर देख लो। इलीगल है ना? सीएम का रिकमेंडेशन है इसलिए बच रहे हो, नहीं तो तुम्हारी तो ऐसी तैसी। तुम इस तरह अचानक यहाँ क्यों आई हो?
तो फिर क्या करूँ, तुम्हें विश करना था इसलिए मम्मी को बिना बताए मैं चुपके से आ गई। ओह सॉरी स्वीटहार्ट, थैंक यू। चलो उठो। अरे मुझे नींद आ रही है, सोने दो। उठो ना। जाओ ना। चलो उठो ना बद्री। ए मुझे परेशान मत करो। क्यों? ओह अभी उठने की हालत में नहीं हूँ। बस सुनो ना। है? क्या है? क्या हमको हमारे जीवन में कोई लड़की इस तरह उठाएगी क्या बॉस? अबे ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन तेरी धुलाई करने में मुझे 5 मिनट लगेगा, समझा? सामने अगर ये सब चलता रहा तो हमें नींद कैसे आएगी? अबे जैसा तू सोच रहा है वैसा इन दोनों के बीच में कुछ भी नहीं है। इन दोनों के माँ बाप बेस्ट फ्रेंड्स हैं। कुछ ही दिनों में इन दोनों की शादी भी होने वाली है। लेट नाइट बात करना इन दोनों की आदत है। कैसी लगी रही? फ्री गिफ्ट तो हमेशा अच्छा ही होता है। सच कहूँ तो मैं तुमसे जितना प्यार करती हूँ ना उतना प्यार तुम मुझसे नहीं करते। तुम मुझे सिखाओगी कि कितना प्यार करना है? बैठ जाओ। मैं दावे के साथ कह सकती हूँ मैंने ही पहले आई लव यू कहा। तुमने मुझे आई लव यू कहने में कितना टाइम लगा दिया पता है? मानता हूँ मुझे आई लव यू कहने में टाइम लग गया, तुम्हें जाने बिना ऐसे ही कह देता क्या? जानती हूँ लव एट फर्स्ट साइट ऐसा ही होता है और प्यार एक दूसरे से ऐसे ही हो जाता है। होता तो है लेकिन प्यार नहीं अट्रैक्शन होता है। वो अट्रैक्शन नहीं है प्यार है। चलो मैंने तुम्हें पहली बार देखा तो मुझे कुछ होने लगा, तो जो हुआ क्या वो प्यार था? लेकिन मेरे दिल में तो कुछ कुछ हुआ था। देखो अगर वो अट्रैक्शन नहीं था तो वो प्यार भी नहीं था। देखो लड़की ऐसी नहीं होनी चाहिए ऐसा हम लोग सोचते हैं, और लड़का ऐसा होना चाहिए वैसा तुम लोग सोचती हो। फिर बातें मुलाकातें और उसके बाद एक दूसरे के ट्रीटमेंट से प्यार जनरेट हो जाता है। देखो ऐसा है ना, अगर तुम जैसी लड़की मुझे तुमसे पहले मिल जाती तो मैं उससे प्यार करता जैसा कि मैं आज तुमसे प्यार करता हूँ। इसी तरह अगर तुम्हें भी मुझसे पहले कोई दूसरा अच्छा लड़का मिल जाता तो जाहिर सी बात है कि तुम उससे प्यार कर बैठती, इसलिए ये बेकार की बातें मत करो। ठीक, सब वेस्ट है। ठीक है, तुम जो कह रहे हो इसका क्या प्रूफ है? मैंने ऐसी बातें आज तक नहीं सुनी। लैला मजनू को प्यार करने में ज्यादा वक्त लग गया और सलीम अनारकली को भी बहुत ज्यादा वक्त लग गया। बताओ बताओ ये कहाँ लिखा है? मानता हूँ लिखा हो या ना हो लेकिन ये सच है। तो फिर चलो एक शर्त लगाते हैं। बद्री से शर्त? ठीक है कहो। तुम्हें एक लड़की के साथ फ्रेंडशिप करनी होगी, फिर उसे अपने बिहेवियर और बातों से अट्रैक्ट करना होगा। तब मैं ये देखूंगी कि वो लड़की मुझसे ज्यादा तुमसे प्यार करती है या नहीं। अच्छा उसके आगे क्या है बताओ। अगर तुम जीते तो मैं तुम्हें इनाम दूंगी और अगर मैं जीती तो मैं तुमसे इनाम लूंगी। कौन सी लड़की? इस बात को याद रखना, हाँ भूल मत जाना। अगर उसका कोई बॉयफ्रेंड हुआ तो खेल खत्म। रूबी। यस। गंगाराम को अंदर भेजना। ओके सर। क्या बात है, बुलाया क्या? अरे गंगाराम जरा इस पेपर को देखना।
इसमें देखने वाली कौन सी बात है, ये तो पेपर है। पेपर ही तो है। अपनी आंखें फाड़कर जरा ठीक से देखो। पेपर ही तो है, पूरा नहीं है, एक टुकड़ा है सिर्फ। भुक्कड़ की तरह खाते हो, खा खा कर मोटे हो गए हो। इतनी उम्र हो गई है लेकिन अकल का कोई ठिकाना नहीं है। अकल आएगी भी या नहीं, we don't know। तुम कब आए? हमारी बातें सुन रहे थे। मैटर क्या है तुझे पता चला? जब दो बड़े बात करें तो बीच में छोटों को नहीं आना चाहिए। अरे वाह, ब्लैक चश्मा, तुम्हारी ड्रेसिंग सेंस डेवलप हो रही है। तेरी पोजीशन क्या है, यहाँ क्या करता है तू? जा यहाँ से, जा। अरे जा मेरे बाप। हाँ, सीएम का लेटर लेकर यहाँ आ गया है, अकल बिल्कुल जीरो। इस पेपर में तुम्हें गाड़ी का नंबर नहीं दिखाई दिया। मुझे एक घंटे के अंदर ही अंदर उस लड़की का एड्रेस, बैकग्राउंड, बायोडेटा वगैरह वगैरह। तुम्हारा टाइम स्टार्ट, जल्द से जल्द डिटेल ले आओ। शूट। I said, shoot! लड़की का नाम सुजाता, एक अमीर घर की लड़की, डिग्री होल्डर है। रोज सुबह मंदिर जाती है और शाम को शॉपिंग पे। सिटी में उसकी बहुत सारी फैक्ट्रियां हैं। उसके माँ बाप नहीं है, सिर्फ उसका एक भाई है। उसका नाम है नंदा। नंदा अपनी बहन को बहुत चाहता है। वो अपनी बहन के लिए कुछ भी कर सकता है। अगर कोई उसे परेशान करे तो बिना सोचे समझे ठोक देता है। साहब, हाँ, कॉफी वहां पर रख दो। सुजाता उठ गई है क्या? नहीं साहब, उसे जगाने जा रही हूँ। बेड कॉफी जो है वो बेड पर दी जाती है, ना कि टेबल पर। भैया, मैंने आपसे कहा था ना मुझे जगा देना। शिट, आई एम सॉरी। वो मेंशन नोट सर। अबे ठीक से पोज़ दे, नहीं तो हम मारूंगा। जरा सा घूम इस तरफ, बत्तीसी क्यों दिखा रहा है? थोड़ी थोड़ी स्माइल दे। अबे गधे की तरह दांत क्यों दिखा रहा है? स्माइल दे, स्माइल दे, स्माइल। जैसा हम कर रहे हो ना वैसा कर। हाँ ऐसा ही, थोड़ा मुंडी ऊपर कर। ये लाइन कैसी? अरे अरे अरे, ये सब क्या है? फोटो निकाल रहा हूँ इन सबका। बिल्ला साइज, भगवान, बिल्ला साइज नहीं, पासपोर्ट साइज फोटो। पासपोर्ट साइज की क्या जरूरत है? ये सब क्या है? इसके गले में कैदी की तरह स्लेट क्यों लटका है? बाजू के गांव में राशन कार्ड बन रहे हैं, उसमें चिपकाने के लिए फोटो की जरूरत है ना, इसलिए 20 रुपया पर हेड के हिसाब से सभी लोगों से टोकन लेकर हम सबको यहाँ बुलाया हूँ। अबे मोटू, का लाखों रुपए खर्च करके बद्रीनीस एड एजेंसी को बनाया है, इसी पे हम सभी जिंदा हैं। नेचुरल बा। और तू 20 रुपए में सबकी फोटो निकाल रहा है? एजेंसी पे ताला लगवाना है क्या? तेरा बिल्ला फोटो लगाकर भीख मांगनी है क्या? तेरी तो थमा, सीएम ने भी हम पर कभी ऐसा हाथ नहीं उठाया। मैं भला तुम्हें कैसे मार सकता हूँ? नोच तो सकता हूँ। What can I do for you, madam? What do you want? सारीज, चुड़ीदार, लहंगा, सलवार कमीज, हर एक डिजाइन का कपड़ा है मैडम, आपको जो चाहिए यहाँ मिल जाएगा। Excuse me, madam. You are a famous model. Yeah. अरे बापरे, अरे बापरे, अरे बापरे, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। जरा सुनिए, मैं आप जैसी लड़कियों को बहुत पसंद करता हूँ मैडम। उसमें मॉडल्स तो बहुत पसंद है मुझे। एक ऑटोग्राफ प्लीज। It's okay. मैंने आपकी सारी एड देखी है, मुझे सब पसंद आई, बहुत अच्छी हैं आप। मेरा क्या है, जस्ट मॉडलिंग। ऑल क्रेडिट गोज टू माई डायरेक्टर, लुक ही इज देयर। सर, सर विल यू प्लीज कम हियर? या। नमस्ते। हाँ। सर, आप तो डायरेक्टर है ना सर? बहुत बढ़िया। कौन सा कलर अच्छा है? हाँ, ये दोनों पैक कर दीजिए। सर, ये क्या कर रहे हैं? अंदर बहुत ही अच्छा कलर है, दिखा दूं? मैं जो एड बनाने जा रहा हूँ उसमें इंडियन ट्रेडिशनल ड्रेस चाहिए। हाँ। और इसलिए मैं हल्दी कुमकुम का ड्रेस ले रहा हूँ। हाँ। प्लीज इन्हें पैक कर दीजिए। ओहो सर, शूटिंग कहाँ है सर? सुजाता नदी के बाजू में। अच्छा। लिली, लेट्स गो। सर, यहाँ आते रहिएगा सर। ओके। मुझे लड़कियाँ बहुत पसंद है, उसमें भी मॉडल्स बहुत पसंद है सर। हेलो, आई वॉन्ट
मरून कलर सलवार कमीज। या हमारे शर्त का क्या हुआ बद्री? उस लड़की का कोई और बॉयफ्रेंड है क्या? या ओके बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। तुम क्या समझती हो मुझे? तुम कभी एयरपोर्ट बुलाओगी, पार्क में बुलाओगी तो मैं आ जाऊंगा? यू नो हु आई एम? आई एम बद्री, बद्रीनाथ, ओनर ऑफ दिस कंपनी। यू गॉट दैट? जैसे तुम्हारी मर्जी डियर, लेकिन तुम्हारे मॉम डैड आ रहे हैं इसलिए मैंने कहा। रियली? तो फिर उन्होंने मुझे फोन क्यों नहीं किया? उन्होंने मुझे किया। मुझे फोन नहीं किया, तुम्हें फोन किया, इसका मतलब मुझसे ज्यादा वो तुमसे प्यार करते हैं। मैं नहीं आऊंगा, नहीं आऊंगा, नहीं आऊंगा। बद्री, बद्री, देखो आ गए। अरे वाह, मेरे डैड इतने गोरे कैसे हो गए? मॉम कैसी हो तुम? ये क्या, इतनी दुबली कैसे हो गई? खाना नहीं खाती हो क्या? मेरे एग्जाम्स चल रही है ना आंटी। एग्जाम में तो क्या हुआ बेबी, बी हेल्दी। अगर तुम खुश रहोगी ना तो हम भी खुश रहेंगे। कैसे हो डैडी? तुम्हारी मम्मी कैसी है? आजकल तुम आंटी के सपनों में रोज आती हो। डैडी वो लगेज लेकर आओ। क्या? लगेज लेकर आओ। हमने अमेरिका में रहते हुए अपने देश के खाने को बहुत मिस किया। बहन तुमने खीर बहुत अच्छी बनाई है, वाकई आज तो मजा आ गया। क्या हुआ बेटा, तुम उदास क्यों बैठे हो? अरे हम लोग कितने दिनों के बाद आए हैं। मॉम डैड तुम लोग कैसे हो ये तक तुमने नहीं पूछा, और तुम्हारी चिंता में तुम्हारी माँ की तबीयत बिगड़ गई, इसीलिए मैं इसे लेकर इंडिया आया। बताओ क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं, अमेरिका से निकलते वक्त आपने फोन किया, एयरपोर्ट पे देखते ही आपने मुझे प्यार से गले लगा लिया। अब जब मुझे आपसे इतना प्यार मिल गया तो फिर होना क्या है, बस इमोशनल हो गया। अच्छा मजाक कर रहा है। अच्छा ये बताओ तुम लोग शादी कब कर रहे हो? अंकल बद्री को तो बहुत जल्दी है शादी की, पर मैंने उसे रोक रखा है। इस साल मेरे एग्जाम खत्म हो जाए, उसके बाद मुहूर्त ना भी हो, तब भी हम शादी जरूर कर लेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, अब जैसी तुम लोगों की इच्छा। तुम लोग जल्द से जल्द शादी करो, फिर एक पोता या पोती हमें दे दो, हम उसे अमेरिका ले जाकर उसके साथ खेलेंगे। सही कहा ना? हाँ बेटा, ये जनाब तो बच्चे की चाह में किसी भी अंग्रेज बच्चे को उठाकर खेलने लगते हैं। किडनैपिंग का केस भी हो गया था। अच्छा वो अंग्रेजों ने नहीं मारा। बकवास बंद करो, जल्द से जल्द शादी करके हम लोगों को दादा दादी बना दो, अब और इंतजार हम नहीं करेंगे। मैं नहीं करूंगा। अरे बेटा क्या हो गया तुम्हें? अब क्या बताऊं, इसका फेस देख देख कर मैं बोर हो गया हूं। तो तुम बोर हो गए हो? चुप रहो। वेट वेट, आई विल शो यू, जस्ट वेट। इसका मतलब तुम मुझसे शादी नहीं करोगे? जाओ नहीं करूंगा, जाओ। तुमसे शादी कौन करेगा? हाँ ये लोग अपना घर संसार कैसे बसाएंगे? जैसे हमने बसाया वैसे ही। मैंने कहा ना हम दोनों की शादी नहीं होगी, मतलब नहीं होगी, समझ में नहीं आता। नहीं बद्री, इस वक्त कुछ मत करो। कर तो तुम रही हो। मैं कुछ करूंगी तो कुछ नहीं होगा, और तुम कुछ करोगे तो मैं सह नहीं पाऊंगी। I hate you too. कभी अपने आप को आईने में देखा है? Hey. पता नहीं अपने आप को क्या समझता है। क्या कहा तूने? पागल से कोई प्यार करता है क्या? क्या कहा? मैं पागल हूँ। रुको अभी दिखाती हूँ तुम्हें, तुम पागल हो। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि अंदर कुछ और ही चल रहा है। मुझे तो लग रहा है कि अंदर कुछ रिहर्सल चल रहा है। Thank you.
हो गया जी? वो देखो। ए जी, आपको क्या लगा बद्री जैसा कोई है क्या? बद्री है वो। अच्छा, मुझे तो पता ही नहीं था। देखो वो क्या कर रहा है। लगता है किसी काम में बिजी है। हाँ, बहुत ज्यादा बिजी है। अंदर किसी लड़की पर लाइन मार रहा है। हाँ, सच में अंकल? बेटी, पता है ना मैं उसका बाप हूँ, इसीलिए उसके नस नस से वाकिफ हूँ मैं। अरे सारी आदतें तो मेरी जैसी है ना। देखो उसे अभी से अपने कंट्रोल में रखो। चलो उसे एक छोटा सा शौक देते हैं। इधर क्या कर रहे हैं जनाब? कुछ नहीं, मैं बस कंप्यूटर पे काम कर रहा था। क्यों बद्री, तुम लाइन मार रहे थे ना? लाइन? लाइन का मतलब क्या होता है? खींच कर एक चाटा मारने को कहते हैं लाइन। शर्म नहीं आती? छे, जिससे शादी होने वाली है वो यहाँ है और तुम कहीं और नैन मटक्का कर रहे हो। समझाओ अपने लड़के को। इससे ज्यादा खूबसूरत है क्या? क्या सोच रहे हो आप लोग? मैं वो शॉप वाली को देख रहा था। ऐसा कुछ नहीं है, मैं एक डायरेक्टर हूँ। वो लड़की मॉडलिंग के लायक है या नहीं बस इतना ही देख रहा था। ये मेरा प्रोफेशन है डैड। पहले ये बताइए आप लोग यहाँ क्यों आए हो? आए हो चलो ठीक है, आए हो तो जो चाहे खाओ पियो और जाओ यहाँ से। यहाँ आकर उल्टी सीधी बातें मत कीजिए आप। गॉड, आई कांट बिलीव दिस। डू यू नो हु आई एम? आई एम अ डायरेक्टर डैड, अ क्रिएटिव डायरेक्टर। आप लोग मेरी क्रिएटिव एक्टिविटी को अपसेट कर रहे हैं। प्लीज गो। गॉन, माय क्रिएटिविटी इज गॉन अप इन द एयर, यू नो दैट? ओहो जीसस, बहुत हो गया, आप चलो। देखो बहन, ये सब कुछ जानने के बाद भी तुम इसे अपना दामाद बनाना चाहती हो, बाद में पछताना पड़ सकता है। अभी भी वक्त है, मेरी बात मानो और ये रिश्ता कैंसिल कर दो। नहीं नहीं भाई साहब, बद्री बहुत अच्छा लड़का है। तुम किस सोच में डूबी हो बेटी? कुछ नहीं अंकल, मैं आप लोगों के साथ अमेरिका जाना चाहती हूँ। तुम जाओगी अमेरिका? नाटक नहीं चाहिए, बकवास बनकर अमेरिका जाएगी। अमेरिका? क्यों? देखो ना मम्मी। ये सब छोड़ो बेटा, तुम हमारे साथ अमेरिका चलो, हम तुम्हारे लिए वहाँ अच्छा लड़का ढूंढेंगे। गोरा प्यारा सा जबरदस्त बॉडी बिल्डर, तुम्हारे लिए तो ऐसे लड़के थोक के भाव से मिलेंगे। थोक के भाव से मिलेंगे, उसी में से गधे को चुन लेना, इसके लिए सही रहेगा। अंकल अंकल, मैंने भी इस गधे को थोक के भाव में इसलिए किया। बिल्कुल सही कहा। ए बद्री, बद्दू, तुम्हारे मॉम डैड यहाँ वेट करते करते थक गए और दोनों अपसेट होकर यहाँ से चले गए, और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चलो उठो। ए बद्री, प्लीज मुझे छोड़ दो बद्री। मेरे काम के समय दोबारा आकर कभी डिस्टर्ब करोगी? हाँ बोलो। कभी नहीं। बी केयरफुल। Out of this side. ए, तो सुन लो, कल मैं अमेरिका जाने वाली हूँ, तब तुम मेरे बारे में सोच सोच कर पागल हो जाओगे। ये बात याद रखना, मेरे याद में तड़पोगे। मैं जा रही हूँ। हाँ, Out. जा ही रही हूँ। ए जी, विनीता कहाँ चली गई? मैं जाऊँ ना? जा रही हो, लेकिन पहुंचते ही एक फोन करना। ठीक है। हाँ ओके, बताओ कब फोन करोगी? वहां पहुंचते ही फोन कर दूंगी। याद रहे, एयरपोर्ट से ही फोन करना। फोन करने को भूल तो नहीं जाओगी? बेटा बद्री, इसका हाथ छोड़ दो, नहीं तो फ्लाइट मिस हो जाएगी। हाँ डैड, पता है मुझे। पता है? बाय बद्री। देखो बेटी, उसने तुमसे जो कुछ भी कहा ना, तुम्हारे जाते ही वो सब कुछ भूल जाएगा। तुम्हारे अमेरिका जाते ही वो एकदम फ्री हो जाएगा। इसीलिए बेटी, जाकर उसे एक निशानी देकर आओ। सच में देकर आऊं अंकल? ऐसी निशानी देना जो कभी ना भूल पाए। डन डन। उधर क्या देख रही हो तुम? बस मुझे देखो। मैं तुम्हें यहाँ एक वार्निंग देने आई हूँ। ओहो, हमारी शर्त को भूल मत जाना। ओके। और जब मैं यहाँ आऊँ, तब तक तुम दोनों का अफेयर हो जाना चाहिए। मेरी बात ध्यान से सुनो और अपना टैलेंट दिखाना शुरू करो। ठीक है, मैं अपना टैलेंट दिखाऊंगा। बाय बाय। बाय बाय। Excuse me? Yes? Which floor would you like to go? Oh, just I'm thinking. Badri is there? Yeah, he's there. What's your name? Sorry? Oh, shit! What's your name? Oh, hello, hello, hello! Who is this? Oh, my God.
हाय 4562789 24 एक फोन करने दे यार। तुम्हारे पास मोबाइल है ना, उससे फोन करो। अरे मोबाइल का बैलेंस खत्म हो जाएगा। क्यों, मेरे फोन से पैसे नहीं लगते क्या? फोन रखो। अरे वे, एक ही फोन करूंगा यार, एक फोन करने दे प्लीज। कितने सालों से मेरे फोन से फोन कर रहे हो? ये फोन लास्ट फोन होगा यार, तेरी कसम। ओके ला, अर्जेंट कॉल है यार, जा बैठ जा, बैठ जा। गुड बाय। ये सही है। नंदा, मैं बोल रहा हूँ, पार्टी को मैंने प्रोजेक्ट दे दिया है, मैं बाद में बात करता हूँ, जैसे ही डील हो जाएगी मुझे फोन करना। ओके बाय, भूलना मत। ये नंदा कौन है यार? वही यार, सुजाता इंडस्ट्री का ओनर। दोनों ज्यादा क्लोज हो क्या? हाँ यार, तुझे पता है हम लोग जिगरी दोस्त हैं। यार ओके यार, इस तरह एकदम पक्के। उसकी छोटी बहन है ना सुजाता, भाई भाई कहते हुए कभी उसका मुंह नहीं थकता, समझा? ओ अच्छा, तू कुछ पूछ रहा था ना? कुछ नहीं, तुम्हारा बर्थडे कब है? हाँ यही 3 महीने के बाद है। उसे परसों मनाए तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम है क्या? परसों बर्थडे मनाएंगे? वैसे तो मैंने कभी अपना बर्थडे मनाया नहीं, अगर मैं अपना बर्थडे मनाने लगा तो सारे भूखा लोग खाने आ जाएंगे। मान लो पार्टी का बिल मैंने पे किया। पार्टी का बिल तू भरेगा? कब देना चाहता है तू पार्टी? परसों ताज होटल में ग्रैंड बर्थडे पार्टी रखते हैं, और उस पार्टी में नंदा और सुजाता आनी चाहिए। प्यार का चक्कर है? प्यार का चक्कर है या नहीं है बाद में बताऊंगा। तुम्हें कोई प्रॉब्लम है क्या? क्या प्रॉब्लम है यार, पैसा तेरा, पार्टी तेरी, खर्चा तेरा और गिफ्ट मेरा। ओके अब बताओ, फोन मैं तुम्हारे फोन से करूं या मेरे फोन से? कर लो। ऐसा ये हुई ना बात। नंदा तुम कहाँ हो? क्या हुआ? परसों मैंने एक पार्टी रखी है, क्योंकि मेरा बर्थडे है यार। गुड। होटल ताज में तुम टाइम पे पहुंच जाना। यार मैं मुंबई जा रहा हूँ। तो फिर सुजाता को ही भेज देना। सुजाता को आज तक मैंने कहीं अकेले नहीं भेजा है। ओह चलो कोई बात नहीं, तो फिर तुम अपने ड्राइवर या मैनेजर के साथ भेज देना, अगर वो लोग बिजी होंगे तो सहेलियों के साथ भेज देना। अरे नहीं नहीं। और नहीं तो क्या यार, तुम्हारे पास तो टाइम है नहीं, कम से कम सुजाता को तो भेज दो। ओके ओके, उसे सहेलियों के साथ भेज दूंगा और तुम्हें आकर विश करूंगा। फोन रख। सक्सेस, नंदा नहीं आ रहा है, उसकी बहन आ रही है। हैप्पी। हाय, थैंक यू। हैप्पी बर्थडे टू यू। अरे बाप रे, हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू, एंजॉय एंजॉय। काली की पप्पी से बच गया। पार्टी में भाई होते तो मजा आता ना। सर लेट हो रहा है, जल्दी केक काटिए। हाँ अभी थोड़ी देर में, 5 मिनट बस। सुनिए भाई साहब, आप केक तो काटो, हम यहाँ से खाना खाकर जाना चाहते हैं, समझा करो बात को। खाना खाना चाहते हो, बहुत अच्छी बात है। एक्सक्यूज मी फ्रेंड्स, माय बेस्ट फ्रेंड्स, माय क्लोज फ्रेंड्स, मेरे दिल की धड़कन जो अभी तक नहीं आया है, वो जैसे ही आएगा वैसे ही मैं केक काटूंगा। आप लोग थोड़ा इंतजार कीजिए, ओनली 10 मिनट्स, 10 मिनट, सिर्फ 10 मिनट, 10 मिनट की बात है। बद्री, विकी, मेरे प्यारे, आजा 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 मेरे राजा, तेरा इंतजार में केक सूख रहा है। आजा मेरे राजा, आजा। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू वेरी मच। इसे संभाल कर रखना, ओके? माय बेस्ट फ्रेंड, दिल का राजा। फ्रेंड्स, इनको कहते हैं बद्री, बद्रीनाथ, द ग्रेट एड फिल्म मेकर, इंटरनेशनल अवार्ड विनर। ये क्या कह रहे हो मेरे बारे में? देखा ना, सच अ ग्रेट मैन, कितना सिंपल है। आई लाइक यू। बहुत हो गया, चलो केक काटते हैं। मेरा क्या जाता है, पैसे तो लाए हो ना। केक काटते हैं, आइए आइए प्लीज। अरे बर्थडे तुम्हारा है, पहले तुम खाओ। यार बिल तो तुझे ही भरना है ना। चुपचाप खाओ, ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है। थैंक यू। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। विस्की। हे, तुम जानते हो यार मैं पीता नहीं हूँ। ड्रिंक है। ड्रिंक करना बहुत बुरी बात होती है यार। आज के जमाने में सभी पीते हैं यार, तुम भी पी ले, मुझे। सॉरी यार, मुझसे जबरदस्ती मत करो प्लीज। तो फिर कोक? डाइट कोक। डाइट कोक। यप। ओके, आई विल ट्राई। ओके। अब मैं समझा, बहन ये डाइट कोक है।
जल्दी से एक लार्ज पैक लेकर आ। थैंक यू। भैया आप ये गलत कर रहे हैं। थैंक यू। क्यों बहन, वो सही है, हम लोग गलत हैं। तुम चुप रहना और तमाशा देखना। भैया ये लो कोक। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। हाय। ओके यप। वो डालो ना। अच्छा है ना, तुम्हें कोक चाहिए? ए, एक टाइट कोक। ओके ठीक है, मैं चलता हूँ। ए शेखर, मीट माय फ्रेंड बद्रीनाथ। ऐसे नहीं यार, ऐसे सेकंड। हाथ छोड़ हाथ छोड़। चिपक गया क्या? हाथ हटा यार, खाना खाया? विस्की? अभी घर जाएगा तो जल्दी जा, बिना गिफ्ट लिए चले जाते हैं। बद्री उधर चलते हैं। कहाँ पे? उस तरफ। मैं आगे चलता हूँ, मेरे पीछे आ। ओके ओके। अरे बाबू स्टडी संभल के। बाबू ईश्वर, ईश्वर। यस सर। ही इज माय बेस्ट फ्रेंड बद्रीनाथ। प्लीज सेकंड। ओके ओके। हाथ उठा हाथ उठा। चिपक गया क्या? हाथ छोड़। हेलो हेलो, सुनिए ना। हेलो, ये क्या किया भैया? मैंने मना किया था ना, देखिए क्या हो गया। भाई बद्री, जरा अपना हाथ देना। ऐसे। वेरी गुड भैया। ईश्वर सर, इसे पहनोगे? आई विल ट्राई। ट्राई करो। आओ बहन, आओ बद्री, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। संभाल के संभाल के। कम ऑन कम ऑन। सब लोग देख रहे हैं। तेरा दूसरा पैर कहाँ है? ये हुई ना बात। वेरी गुड, अब गिरने का कोई डर नहीं। ये तो सती। टीका लगा लो बेटा, इस फूल को अपने कान में लगा लो। क्या कहा? इस फूल को अपने कान में लगा लो। आजकल लड़के सिर्फ फैशन करने में लगे हैं, इसलिए आजकल के लड़के कान में फूल लगाते ही नहीं, उनका भगवान ही मालिक है। चलो तुम लगा लो। हाँ, शुभम भवंतु। मुझे लिफ्ट मिलेगा? ओह सॉरी लेडीज एंड जेंट्स, नहीं है, आप जाइए। आपको कहाँ जाना है? नहीं कोई बात नहीं, आप जाइए प्लीज। प्लीज कम। थैंक यू वेरी मच। आप मुझे चेक पोस्ट के पास छोड़ दीजिए। ओके। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय। ऑटो, मंदिर चलोगे? क्यों बुलाया? अरे गंगाराम, मुंबई के ऑफिस में फोन करो और कहो परसों शूटिंग है। परसों? वो तो अगले हफ्ते है ना। देखो तुम समझ नहीं रहे हो, यहाँ डेट के बड़े पंगे रहते हैं। अच्छा? हाँ। अगर बार बार डेट चेंज करोगे तो
कैसे चलेगा? तुम्हें कोई तकलीफ है क्या? कोई प्रॉब्लम है क्या तुम्हें? फालतू शूटिंग बाद में करेंगे। तुम सीनियर मोस्ट को डायरेक्टर हो, इस शूटिंग से तुम्हें क्या प्रॉब्लम है पहले ये बताओ, उसके बाद ही शूटिंग होगी। ठीक है भाई, फोन कर रहा हूँ ना। हेलो, मैं एड एजेंसी से गंगाराम बोल रहा हूँ। शूटिंग अगले हफ्ते नहीं, परसों है। हाय। हाय। उप्स। सर संभाल के। हाय, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। आपने कहा था ना कि आपको शूटिंग देखनी है। मैं आपको फोन करना चाहता था लेकिन आपका नंबर ही नहीं था, और तो और मैं आपका नाम भी नहीं जानता। मैंने विकी से पूछा कि उस दिन उस पार्टी में एक प्यारी सी मासूम सी एक खूबसूरत लड़की आई थी, उसका नाम क्या है, लेकिन विकी भी एक नंबर का भुलक्कड़ है, उसको भी आपका नाम याद ही नहीं रहा। व्हाट्स योर नेम? सुजाता। ओह सुजाता, गुड नेम। या ये मेरा बिजनेस कार्ड है। आपको जब भी शूटिंग देखने का मन करे आप मुझे फोन कर लीजिए। वैसे परसों ही शूट है, जस्ट गिव मी द कॉल, I will come and pick you up. Okay? Thank you. Bye-bye. Bye. ये गलत बात है। और कितनी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद करेगा? नमस्ते आंटी। ए छोरे, रुक जा रुक जा रुक जा, तू अंधा हो जाएगा, तू रस्ते में भीख मांगेगा। ये मेरा बिजनेस कार्ड है, आपको कुछ कहना हो या गालियाँ देनी हो तो आप मेरे ऑफिस में आ जाइए प्लीज। नहीं बेटा नहीं, इस तरह से कहीं पर भी किसी को भी अपना विजिटिंग कार्ड देकर पटाना पाप है बेटा, महापाप है, महापाप है। बेटा, this is too much, very bad बेटा, very bad, very bad। hey, तुम्हारा नाम लक्ष्मी है ना? नहीं तो? नहीं? तो फिर तुम्हारा नाम क्या है? Please, excuse me। अरे अपना नाम बताओ ना। अरे उस लड़की से तो ये लड़की बहुत सुंदर है, तू शाम को फ्री है क्या? हाँ फ्री है। लेकिन ये भी तो फ्री होनी चाहिए, चलो पूछ लेते हैं। मिलोगी क्या? ड्रेस तो बड़ी अच्छी है। ओके कह दो ना जाने मन। ए पुलिस इधर आओ। इसका बाप, इसका बाप डीएसपी है, उसका नाम क्या है? पता नहीं। उससे कहना कि वो मुझे फोन करे, जल्दी से मुझे फोन करे। हाँ ठीक है, चलो जाओ। ओके सर, ओके सर। जाओ डीएसपी। ये नंदा की बहन है, अगर आज के बाद इसे किसी ने भी छेड़ा तो उसका भी यही हाल होगा। चलो बहन चलो, तुम लोग भी आओ। बेटा तुम मिस कर गए और वो लोग पकड़े गए, बस इतना ही फर्क है, इसलिए मेरी मानो और ये सब छोड़ दो बेटा, क्योंकि किसी के पास इतना सब्र नहीं होता। काट कर रख देंगे तुझे, समझे? माते मुझे माफ कर दो माते, जाइए आप जाइए। गॉड ब्लेस यू। हाँ ठीक है, थैंक यू। गॉड ब्लेस यू। लता इधर आओ। साहब। सुजाता को बुलाओ। साहब वो घर पर नहीं है। कहाँ गई वो? पता नहीं साहब, कुछ बताकर नहीं गई। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम उसके साथ नहीं गए? वो खुद कार लेकर चली गई। कहाँ गई होगी वो? तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? अकेली चली गई, तुम सबके सब निकम्मे हो। पता करो वो कहाँ है। बैकअप। ए सुजाता, फ्रेंड है ना उसने। मैंने तुमसे कुछ पूछा क्या? हाँ, लेकिन अगर बता कर जाती तो बहन हमें बहुत अच्छा लगता। कहाँ गई थी आप? हम पूरी रात टेंशन में थे, तुम्हारी वजह से हमारा डिपार्टमेंट। hey, hey! चुप, जाओ जाकर खाना खाओ। hey, इधर आओ, जा बहन इसे लेकर जाओ।
बताइए ना, इतनी देर आप कहाँ थी? आपके भैया परेशान थे, खाना भी नहीं खाया उन्होंने अभी तक। ये क्या बात हुई? रात भर हमको जगाए रखा और जब वो घर आ गई तो उन्हें एक शब्द भी नहीं कहा। अरे वो मेरी जान है। वो आ तो गई ना। ओ, रात भर तुम लोग सोए नहीं ना? जाओ जाकर सो जाओ। गुड मॉर्निंग। अरे गुड मॉर्निंग, अब चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, जाओ। क्या पागलों की तरह डंडिया हिला रहा है? चल चल निकलना। तेरी तो ये फिर आ गया। कौन है रे? फूड फेस्टिवल वाला, गेम खेला था ना, उधर देखो वो देखो। बोला 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 बोला। मामा मुझे एक छोटा सा डाउट है मामा, उसमें ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं है? जब देखो जब लड़कियों के साथ घूमता रहता है। चुप है। कोई दाढ़ी मूछ रखने से गुंडा नहीं बन जाता मामा, अगर हिम्मत है तो जाओ उससे मिलके रहो। जग्गू भाई, ए जग्गू भाई, ऐसे ऑर्डर दे रहे जैसे इंडिया के पीएम हो। फूड फेस्टिवल वाले के बारे में मैंने तुम्हें बताया था ना, वो यही है। जाओ जाकर देख लो। ठीक है, जो चाहते वो कर लेना उसके साथ, पर उससे शर्त मत लगाना। क्यों बे, उस दिन तू एक लड़की के साथ था और मेरे आदमियों ने उसे थोड़ा सा छेड़ा तो तूने उसे बुरी तरह से मारा। क्यों खुद को हीरो समझता है? बताना, आज मैं जो चाहूंगा वो इसके साथ करूंगा। अगर दम है तो रोक ले। अरे रोकना, आना आना। पत्री। Hey, come on, pakdo use.
लड़की को छेड़ेगा? क्या देख रहा है बे? हाँ, हाँ, चल भाग, भाग यहाँ से। तुम लोग सारे सुधरोगे नहीं, चला जा। ओह नो, ये क्या कर रहे हो तुम लोग? कंप्यूटर में गेम खेल रहे हैं। कंप्यूटर में गेम खेल रहे हो? क्या बकवास है, इससे अच्छा गेम हमारे पास है। तुम लोग देखना चाहते हो तो हम तुमको दिखा सकता हूँ। तुम दिखा सकते हो? ये लड़कियों के साथ अक्कड़ बक्कड़ खेलने का आइडिया तेरे पास कहाँ से आया बेटा? अब हम दोनों खेलेंगे, कोई प्रॉब्लम? हाँ, ओके ओके ओके। आचार, बाकर, बाम्बे, बोल, अस्सी, नब्बे, पूरे, सौ। अब तू भाग। आचार, बाकर, बाम्बे, बोल। तुम बहुत सीरियसली खेल रहे हो। सीएमबी कभी हमसे इतना सीरियसली नहीं खेले। सीएम? तो तू सीएम के साथ अक्कर बक्कर का खेल और गुल्ली डंडे का खेल खेलता था? हाँ, क्या? जब भी हम लोगों को टाइम मिलता था खेलते थे। ऐसी बात है तो ठीक है। हाँ? ये ऑफिस कोई मेरा थोड़ा ही है। लड़कियों को भी मजा आ रहा है। अक्कर। है ना भैया? वाओ, जरूर किसी अच्छे कारीगर ने बनाया है। हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक्स भैया। अरे नो 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 नो, बद्री घर में है? हाँ वो अंदर। थैंक यू। अगर वो लीगल था तो ई का है, जरा बतावा। अबे सुन, उस दिन उन लड़कियों के सामने चार लगाता तो तेरे लिए अच्छा होता। ऐसे सवाल नहीं पूछा करते बे। सीएम। लटका दिखा दिया हमने, झटका दिखा दिया तुमने, टरांग डिंग डिंग टरांग। हाय हाय। Hi. Hi. What a pleasant surprise. ये लो। ये क्या है? आज मेरा बर्थडे है। बर्थडे? हाँ। तो कल क्यों नहीं बताया? अभी बता रही हूँ ना। अब बता रही हो? सुबह भी हम मिले थे, फिर शाम को पार्क में भी मिले थे, फिर पूरी रात हम फोन पर बात कर रहे थे, तब भी नहीं बताया। अब क्या करें? इतने कम समय में क्या करेंगे? सुजाता जी, हैप्पी बर्थडे सुजाता। थैंक यू। अब
मैं तुम्हें कहीं ले जाना चाहती हूँ, चलोगे? Oh, why not? No problem. मैंने पूछा और तुमने तुरंत हाँ कह दिया। अरे तुम पूछो और मैं मना कर दूँ? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। I'm completely free, no work, nothing. We go? Come on. चलो। बंगला तो बहुत ही अच्छा है। भैया ने मुझे बर्थडे गिफ्ट दिया है। काश भगवान ने ऐसे दो चार भाई मुझे भी दे दिए होते। तुम्हें मैं अपना दोस्त मानती हूँ, इसलिए तुम्हें यहाँ लेकर आई हूँ। तुम्हें एक बात बताऊँ बद्री, मेरे मम्मी पापा तो नहीं है, लेकिन मेरे भैया ने मुझे इस बात की कमी कभी महसूस नहीं होने दी। मेरे भैया नंदा, उनके सिवाय मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। मेरे भैया मुझे बहुत प्यार करते हैं। उन्होंने शादी भी नहीं की ये सोचकर कि शादी के बाद जो लड़की यहाँ आएगी, क्या वो मुझे उतना प्यार दे पाएगी। मैं तुम्हें ये सारी बातें इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि तुम्हें ये सारी बातें पता होनी चाहिए। भगवान ने मुझे सब कुछ दिया है बद्री। मेरी जिंदगी में मेरे भैया के सिवाय और कोई नहीं है, लेकिन जब से तुम मेरी जिंदगी में आए हो तब से मैं बहुत खुश रहती हूँ। धीरे धीरे हम एक दूसरे के इतने करीब आ गए कि आजकल तुम्हारी यादों में वक्त कैसे बीतता है पता ही नहीं चलता। आज मैं चाहती हूँ तुम अपने प्यार का इजहार कर ही दो। तुम हर बार कोई ना कोई बहाना बनाकर निकल जाते हो, इसलिए मैंने सोचा कि मैं खुद तुमसे मिलकर ये बात कहूँ। मैं तुम्हारे साथ अपनी जिंदगी बिताना चाहती हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगे? जो बात मेरे दिल में थी वो मैंने बता दी, लेकिन तुम्हारे दिल में क्या है ये मुझे नहीं पता। अब तुम बताओ कि तुम क्या चाहते हो। हाय, मैं यहाँ पर हूँ। तुम्हारे दिल में क्या है ये मैं जान गया हूँ। जगह बहुत ही अच्छी है। नाइस गार्डन, ब्यूटीफुल बंगलो, होल थिंग लुक्स सो ब्यूटीफुल। लेकिन मुझे ये सब पसंद नहीं है। तुम्हारा नाम क्या है? पिंकी। बद्री। क्या बात है अंकल, आप बहुत सोच रहे हो? कुछ खास नहीं, एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है अंकल? अब इसे मैं कैसे बताऊं? मेरी दो गर्लफ्रेंड है, पता है? ओ, बस दो ही? मेरी तो चार बॉयफ्रेंड्स है। इधर आओ। ऐसी बात नहीं है बेटा। फिर क्या है अंकल? मैं एक लड़की से प्यार करता था और वो लड़की भी मुझसे बहुत प्यार करती है। इन दिनों मेरी मुलाकात एक और लड़की से हुई, अब वो लड़की भी मुझसे प्यार करने लगी है। तो फिर शादी क्यों नहीं कर लेते? ऐसा करूंगा तो पब्लिक मुझे मारेगी। तो फिर किसी एक से शादी कर लो। मुझे दोनों चाहिए ना। हेलो हेलो सुजाता, सुजाता। अरे वाह, अरे तुम, हाय। तुम उसे कितने प्यार से बुला रहे थे? हाँ, तुम आ गई। लगता है लड़की पड़ गई। अरे वो वैसी वैसी लड़की नहीं है, मेरे दिल में एक शक था कि ऐसी वैसी हो सकती है, इसलिए। क्यों बेस्ट ऑफ लक। मम्मी पापा कैसे हैं? बद्री, रिंग कहाँ है? रिंग वो मैं बताओ पहले कि रिंग कहाँ है बद्री? वो शूटिंग के समय उंगली में ऑयल लग गया था, तब मैंने माणिक को दे दी थी।
नहीं गंगाराम को, नहीं मानिकलाल से तो मैंने साबुन मंगवाया था, वो लक्स साबुन जिससे खुशबू आती है, अरे वो गोल वाला साबुन होता है ना वो। साबुन कोई भी हो बद्री, पहले बता रिंग कहाँ है। वो हाथ धोने के बाद देखा तो, देखा तो, देखा तो अंगूठी गायब थी। ये क्यों है बद्री, मैंने कितने प्यार से दी थी। छे, तुमने मेरा मूड ही खराब कर दिया। The total information as Hello? Far as... कौन बोल रहा है? Here money speaking. Oh, अच्छा अच्छा अच्छा, टाटा, I think what oh what. इसके इंग्लिश की तो। अच्छा 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 अच्छा, अच्छा आप आ रहे हो? हाँ, अच्छा, सीएम का फोन था। सीएम का? हाँ मैं उन्हीं से तो बात कर रहा था, वो यहाँ आ रहे हैं। क्या कहा? सीएम साहब आ रहे हैं, लेकिन वो यहाँ क्यों आ रहे हैं? उनके रिकमेंडेशन लेटर से ही तो तुमने मुझे काम दिया था, बस तो तुमसे ही मिलने आ रहे हैं। सीएम इज कमिंग फॉर मी, सीएम इज कमिंग फॉर मी, सीएम इज कमिंग फॉर गंगाराम, यू नो गंगाराम। जीजू, गंगू जीजू। ये आवाज मैंने पहले भी कहीं सुनी है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझसे मिलने यहाँ चले? कुछ काम नहीं था इसलिए तुमसे मिलने चला आया। ठीक है, आ गए हो तो थोड़ी देर इंतजार करो, क्योंकि सीएम साहब मुझसे मिलने आ रहे हैं। जीजू, क्या चीफ मिनिस्टर को तुम जानते हो क्या? चीफ मिनिस्टर को मैं सिर्फ जानता नहीं हूँ, चीफ मिनिस्टर इज माई बेस्ट 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 फ्रेंड। वो तो ठीक है जीजू, लेकिन वो लड़का कैसा है? कौन सा लड़का? भाई मानिकलाल। अच्छा वो मानिकलाल, तुम उसे कैसे जानते हो? कैसे जानते हो उसे क्या मतलब, मैंने ही तो रिकमेंडेशन लेटर लिखकर तुम्हारे पास भेजा था। क्या कहा? वो तो सीएम का आदमी है। अरे मैं भी तो सीएम हूँ। क्या बोला? सीएम का फुल फॉर्म चंद्रमाली, सी मतलब चंद्रा, एम मतलब माली, चंद्रमाली सीएम मैं ही हूँ। हाँ भाई जोर से बजाओ, जोर से जोर से। अरे सीएम साहब आ गए, सीएम साहब आ गए, सीएम साहब। आई लव यू सीएम साहब, आशीर्वाद दीजिए। तुम अच्छे से होना, बस करो, बस करो, बहुत हो गया ये भारत मिलाप। क्यों रे, तुझे पता है कौन है ये? हाँ हाँ मुझे पता है, यही तो सीएम साहब है। हाँ जानता हूँ, जानता हूँ, ये चंद्रमौली है, इसी को तू अपना सीएम बोलता था। ऐसे सैकड़ों सीएम को मैं जानता हूँ, इसी का लेटर लेकर आया था ना, और जब देखो तब सीएम का नाम लेकर मुझे डराता रहता था, और मैं कितना बेवकूफ हूँ जो नहीं समझ पाया कि सीएम तुझे लेटर लिख करके क्यों देंगे। शाबाश मेरे लाले, इधर आओ, इधर। अबे तुझे पता है तूने मुझे कितना सताया है, और बार तेरा गला घोटने का दिल करता था, लेकिन तेरे सीएम रिकमेंडेशन ने ऐसा नहीं करने दिया। चल आजा, जा जा, कुछ नहीं होगा, आजा आजा, अभी तुझे बताता हूँ। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोल, 80-90 पूरे 100। जब मैं तुझसे तेरे बारे में पूछता था तो कहता था सीएम का आदमी हूँ। छोड़ दे बेटा, काम करने के लिए बोलता तो बोलता था सीएम का आदमी हूँ। बेटा इसी काबिल है, बैंड बजाओ। ले बेटा, रुक जाओ रुक जाओ, इसे मत मारो जीजू, ये गलत है। बिल्कुल सही कहा, मैं गलत कर रहा हूँ, तुम जरा हटो तो। बैंड बजाओ, a small gift for you. बहुत प्यारा है, कहाँ से लिया? ये मेरे फ्रेंड ने मुझे दिया था और मैंने आपको। Thank you very much. चाय पियो ना? या। हैप्पी हो ना? आई वॉन्ट टू कम देयर। आर यू ओके? या या, फाइन फाइन फाइन, एब्सोल्युटली फाइन, या। ये क्या है? आप बद्री है ना सर, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ सर, सॉरी मैम गलत मैं समझ ली। फैन हुई तो क्या हुआ, कोई हद होती है ना? फैन के कोई हद नहीं होती है, और मैं आपको बहुत पसंद करती हूँ। हम चले, यहाँ बहुत डिस्टर्ब हो रहा है। पागल
चलता है। इस लड़की को कैसे पता कि तुम डायरेक्टर हो? वो क्या है कि मॉडल मतलब लड़की, लड़की यानी गर्ल, जब एक लड़की को पता चलता है तो वो दूसरी को बताती है, दूसरी तीसरी को, इस तरह कोई ना कोई मेरे पास ऑटोग्राफ लेने के लिए आ ही जाता है। क्या करूं, मैं डायरेक्टर हूं ना। चलो चलते हैं। आई एम सॉरी। चलो चलो रन रन। मुझे सर का एक ऑटोग्राफ चाहिए। दिखा दीजिए ना प्लीज। थैंक यू सर, ऑटोग्राफ प्लीज। ओके देता हूँ। अरे भूतनी, यहाँ से चुपचाप निकल जाओ। क्या ये आपके हस्बैंड हैं? फ्रेंड। बॉयफ्रेंड? ग्रेट, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। ये आपके रिंग तो कितनी प्यारी है। मर गया। इट इज वेरी वेरी नाइस। ये रिंग इन्होंने गिफ्ट दी है। अब मेरा क्या होगा? आपकी चॉइस तो बहुत अच्छी है सर। फैंटास्टिक। ओके ओके जल्दी बैठो। फैंटास्टिक माइंड। वैसे वो लड़की अच्छी थी ना? कौन सी लड़की? ओ ऑटोग्राफ वाली, मैंने उसे देखा नहीं ठीक से। शी वाज नाइस। ओ वो लड़की तुम्हारे बारे में इतना कुछ जानती है, मुझे लगता है तुम जरूर उसे कहीं मिले होगे। मैं उसे जानता तक नहीं हूँ, उस जैसी रूटीन फेस वाली कई लड़कियां हैं। ऐसी लड़कियां कहीं ना कहीं दिखी जाती है, फिर कभी मिले तो गौर से देख लेंगे, उसमें क्या। ए, उस कार में मेरी बहन के साथ कोई है ना? मैंने ठीक से नहीं देखा। क्या ठीक से नहीं देखा? ए, इधर आओ, आओ जाओ और देखो कौन है। ठीक है सर। ए, गाड़ी लेकर जाओ। चिकिता, कुमो स्टाश, अला बेला, व्हाट अ ब्यूटी, कम टू पापा, अलीना, हाँ, यू वांट मी, और ऑल ऑफ अस, कम टू मी माय लिटिल पिजन। Hey you guys, do you want this girl? You want to fire? No guns. Funny guy. He's a funny guy. Ha 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 ha
अच्छा तो तुम मुझसे झूठ कहो है ना, गंगाराम को दिया मणि को दिया ऐसा झूठ बोल रहे थे ना। अरे उस लड़की का अचानक बर्थडे आ गया ना, इसलिए वो रिंग दे दी है ना, मैंने इसलिए दी थी तुम्हें। हे तुम जेलस फील कर रही हो, वैसे ये शर्त लगाई थी किसने, तुमने? अगर मुझे जेलस फील करना होता ना तो मैं ऐसी शर्त कभी नहीं लगाती। तुम ही अगर उससे प्योर है तो कुछ और लेकर दे देते हो। ओके मेरी फीलिंग को समझो, मेरी अंगूठी क्यों दे दी? सॉरी डार्लिंग, अरे मैंने तुम्हें बताया था ना कि उस दिन की सिचुएशन कैसी थी, थोड़ा समझ करो। हेलो हेलो बद्री बद्री बद्री, जाता मेरी बहन है, उसके पीछे ना घूमो तो ही अच्छा है। अगर वो मेरे पीछे आई तो आए, मैं नंदा नंदा। ए, अगर तुम नंदा हो तो मैं बद्रे हूं, बद्रीनाथ, समझे क्या? शायद तुम मेरे बारे में नहीं जानते। नहीं जानता था इसलिए तुम यहां तक पहुंच पाए, वरना तुम्हें गेट से ही निकाल देता। आउट। मूव मूव। ए बद्री, दोबारा ऐसी गलती की तो मुझे खुद नहीं पता मैं तेरा क्या करूंगा। ए, तुम खुद डिसाइड कर लो कि तुम्हें क्या करना है, अब मैं बार बार रिपीट करूंगा, समझे? नो नो नो, कूल डाउन कूल डाउन कूल डाउन, अभी गुस्सा करना ठीक नहीं। बद्री बद्री बद्री, ये सब मेरी वजह से हुआ है ना, जाने दो ना बद्री, I'm sorry। ऐसी बात नहीं है, तुमने देखा उसने किस तरह से बात की? अब तो मैं उसकी बहन के साथ हमेशा घूमूंगा, देखता हूँ वो क्या करता है। नंदा नंदा काहे का नंदा, मैं बद्री हूँ। बड़ा आया मुझे ललकारने वाला। बद्री नहीं है क्या? वो अभी भी बाहर गया है। उनसे कहिएगा मैं आई थी। If you don't mind, आप 5 मिनट मुझे दे सकती हैं? देखो बेटी, बद्री को मैं बचपन से जानता हूँ। स्कूल जाते समय उसका बैग उठाता था, कॉलेज में उसके पीछे भागता था, हमेशा उसके साथ ही रहा हूँ। खाना कैसा भी बने, मैं जो कुछ बनाता हूँ बेचारा चुपचाप खा लेता है। हम सब उसको बद्री बद्री कहके बुलाते हैं, लेकिन वो हमारे दिल के धड़कन जैसा है। और एक ऐसे इंसान से नंदा नाम का एक शख्स आकर भिड़ गया और उसने उसे ये धमकी दी है कि अगर दोबारा उसकी बहन से मिला तो उसे मार डालेगा। भैया यहाँ आए थे? आए थे और धमकी देकर गए हैं। जानती हो ये सब क्यों हुआ? क्योंकि वो लड़की तुम हो। मेरी तुमसे एक रिक्वेस्ट है, अब दोबारा यहाँ कभी मत आना, हमारे बद्री को सुकून से जीने दो प्लीज। अभी तक खाना नहीं खाई? मैं आपका ही इंतजार कर रही थी भैया। वो सॉरी बहन, ऑफिस में लेट हो गया, चलो खाते हैं। आज का दिन कैसा गुजरा? गेटिंग बोर, कहीं बाहर जाना चाहोगी? नहीं भैया,
तो क्या शादी का इरादा है? ए, ए, ए। शर्माने की क्या बात है, मैं जल्द से जल्द एक अच्छा लड़का देखकर तुम्हारी शादी करवा दूंगा। अब तो तुम खुश हो ना? भिजक्यों। गुड मॉर्निंग। अरे तुम्हें पता था मैं आऊंगी? एक्सपेक्ट किया था। तुम यहाँ कैसे? मैं भैया के साथ जॉगिंग के लिए आई थी, तुम्हें देखा तो यहाँ चली आई। कहाँ है तुम्हारे भैया? जॉगिंग कर रहे हैं। ओह, क्या नाम है उनका? नंदा। नंदा, बहुत अच्छा नाम है, मैं उनसे एक बार मिलना चाहता हूँ। भैया। हाँ बोलो। मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। हाँ। बहुत दिनों से एक बात बताना चाहती थी, मैं किसी से प्यार करती हूँ। उसका नाम बद्री है, वो एक ऐड एजेंसी का मालिक है, बजरंग हिल में रहता है और उसके माँ बाप अमेरिका में रहते हैं। भैया मैं आपसे ये कहना चाहती थी कि... रुको रुको, अब तुम्हें क्या लगता है मैं मान जाऊंगा? भैया जिंदगी में पहली बार आपसे कुछ मांग रही हूँ। तुम्हारी शादी उस लड़के से नहीं हो सकती है। डोंट क्राई, डोंट क्राई, रो मत। आप समझने की कोशिश तो कीजिए। मैं तुम्हारा भाई हूँ, इसीलिए मैं ऐसा कह रहा हूँ। प्लीज सुजाता। कूल कूल कूल, सॉरी, आई एम सॉरी, भूल जाओ उसे। आज के बाद तुम उसका नाम मत लेना प्लीज। सुजाता, सुजाता, सुजाता! सुजाता कहाँ है इस वक्त? हॉस्पिटल में है। बद्री प्लीज, वहां नंदा होगा। बद्री मत जाओ। तो क्या हुआ, कहना क्या चाहती हो? नंदा होगा तो क्या होगा? सुजाता जिंदगी और मौत से लड़ रही है। वहां नंदा होगा बद्री। तो क्या होगा? उसकी जगह तुम वहां होती और नंदा तुम्हारा भाई होता तो क्या मैं वहां नहीं आता? सुजाता सीरियस है, जिंदगी और मौत से वो अस्पताल में लड़ रही है। और मैं नहीं जाऊं, मैं नहीं जाऊं, मैं नहीं जाऊं। घबराने की बात नहीं, अब वो खतरे से बाहर है। वो ठीक हो जाएगी ना? हाँ, ठीक हो जाएगी ना? हो जाएगी। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू। वापस जा, वापस जा, बोला ना वापस जा। सर सर, Thank you.
आज तक मैंने कभी किसी के सामने हाथ नहीं जोड़ा, लेकिन आज मैं अपनी बहन के लिए तुम्हारे सामने हाथ जोड़ रहा हूं। उसे आराम करने के लिए कहा गया है, इसलिए तुम यहां सजाओ। सर उसे सिर्फ एक बार मुझे देखने दीजिए, मैं एक बार देख के चला जाऊंगा। वेट, मेरा मन कह रहा है कि मैं अभी के अभी तुम्हारे हाथ पर तोड़कर तुम्हें जान से मार दूं और मैं तुम्हें यहीं पर गाड़ दूं, लेकिन यह हॉस्पिटल है, मेरी मजबूरी का फायदा मत उठाओ। तुम होते कौन हो? होते कौन हो तुम हम दोनों के बीच में आने वाले? ए बद्री, रुक जाओ, मैं कह रहा हूं रुक जाओ, तुम वहां नहीं जा सकते हो। बद्री, नो। नहीं नंदा। बद्री, बद्री रुक जाओ। बद्री मेरी बात सुनो, बद्री मैं सुजाता का भाई हूँ। मैं जानती थी आप लोग ऐसे लड़ेंगे, इसलिए अपनी जान देना चाहती थी। बद्री मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि मेरे लिए मेरे भैया से बढ़कर कोई नहीं है, अब ये सब बंद कीजिए, बंद कीजिए। जाओ यहाँ से। और आप भी एक बात समझ लीजिए कि मैं बद्री के बिना नहीं जी सकती। अगर तुम नहीं रहोगे तो मैं कैसे जीऊंगा? अरे तुम्हारे सिवा मेरा है ही कौन? मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूं मेरी बहन। अगर ये अच्छा इंसान होता तो मैं तुम दोनों के प्यार के बीच कभी नहीं आता, लेकिन जैसा तुम सोच रही हो ये वैसा नहीं है। यस, इसकी ऑलरेडी एक गर्लफ्रेंड है जिसके बारे में इसने तुम्हें कभी नहीं बताया। पूछो इससे। ए बताओ, बताओ सच्चाई क्या है, पूछो इससे। बद्री कह दो कि ये सब झूठ है। इन्होंने जो कहा वो सच है। बद्री मैं तुमसे फिर से कह रही हूँ, कह दो कि ये सब झूठ है। ये जो कह रहे हैं वो सच है। मेरी ऑलरेडी एक गर्लफ्रेंड है और मैं उसी से शादी करने वाला हूँ। जरा सुनिए जी। कहिए। सुजाता कहाँ है? वो घर पर नहीं है। कहाँ गई है? वो शहर छोड़कर जा रही है। सुजाता कहाँ जा रही हो? मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ। सुजाता मुझे समझने की कोशिश करो, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड मी। सुजाता ड्राइवर गाड़ी चलाओ। सुन, गाड़ी रत्ती भर भी हिली तो तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। सुजाता मेरी बात तो सुनो। सुजाता प्लीज ड्राइवर गाड़ी चलाओ। सुजाता मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। सुजाता ओए की जाइदा। ए सीधा घर लेके जा, बीच में कहीं रुका
तो जान से जाएगा। नंदा, फोन अपनी बहन को दे। इसकी तो व्हाट्स योर प्रॉब्लम? सुनो 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 सुनो, तुम सुजाता को धोखा देना चाहते थे लेकिन फेल हो गए। अब वो तुमसे नफरत करती है, तुम्हारी सूरत से भी। सो तुम उससे बात करना चाहते हो लेकिन वो बात करना नहीं चाहती। वो मुझसे बात जरूर करेगी। चल चल, उसे फोन दे। एए, एए, एए। चुप रह, चिल्ला मत, शांत हो जा। देख नंदा, मैं बोलता हूँ, जो मुझे परेशान करता है वो खुद परेशान हो जाता है। ये मेरे और सुजाता के बीच की बात है, मैं उसे मना लूंगा। चल उसे जल्दी फोन दे, फोन दे, फोन दे, जल्दी उसको फोन दे। अगर तू एक सच्चे मर्द का बच्चा है तो मुझे अपना एड्रेस बता। मुझे अपना एड्रेस बता, मैं वहीं आता हूँ। तू मेरा एड्रेस जानकर क्या करेगा? तुझमें अगर दम है तो तू वहीं पर रह, मैं आ रहा हूँ। आ जा रही, पार हो जाने दे। पकड़ इसे। उसे वहीं रोको, अंदर नहीं आना चाहिए। आउट आउट। नंदा देख, मैं तुझसे यहाँ लड़ने के लिए नहीं आया हूँ। प्लीज कूल डाउन, कूल कूल कूल। सुजाता यहाँ आओ, मैं कह रहा हूँ सुजाता यहाँ आओ। मुझे पहले इससे बात करने दे, बाद में देखता हूँ। सुजाता, कब मैं तुम्हारे पीछे पड़ा था? कब मैंने तुमसे आई लव यू कहा? क्या कभी मैंने खुद तुमसे शादी करने की बात कही? नहीं ना, तुमने खुद मुझे आई लव यू कहा और तुम खुद ही शादी के सपने देखने लग गई। मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हुई है, ये मैं मानता हूँ। अब विनीता की जिद थी कि मैं तुमसे दोस्ती करूँ। ये बताओ, मैंने कभी तुम्हारे साथ बदतमीजी की या फिर मैंने कभी तुम्हें छुआ? बताओ, बताओ ना। नंदा, मैं जानबूझकर तुम्हारी बहन के करीब आया था। माना कि ये मेरी गलती है, ये भी सच है कि मैं इसे चाहने लगा हूं। सुजाता, मैं तुमसे सच कहूं तो मैं तुम्हें चाहता हूं, मैं तुमसे प्यार करता हूं। गलतफहमी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन तुम मुझे धोखेबाज समझकर मुझसे नफरत मत करो। मैं सह नहीं पाऊंगा, दैट्स ऑल। मैं धोखेबाज नहीं हूं, फैसला आप लोगों के हाथों में है। ठंडे दिमाग से मेरी बातों पर गौर करना प्लीज। ए, क्या कहा तुमने? ऐसा किया जिद की वजह से? उफ, शायद तुम्हें पता नहीं है मैंने अपनी बहन को किस तरह पाला। इसके पैरों में धूल तक नहीं लगने दिया, अपनी आंखों का तारा बनाकर पाला है मैंने इसे। मेरी जान है ये, औरों की तरह नहीं है ये नंदा की बहन। नंदा की नहीं, मैं सुजाता की बात कर रहा हूँ। ये नंदा बीच में कहाँ से आ गया? क्या कहा? नंदा कहाँ से आ गया? मैं सुजाता की बात कर रहा हूँ, तेरे नहीं। रुक। पद्री, 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 तुम कहाँ हो? सुजाता, ये सब करके आपको क्या मिलेगा भैया? अरे खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? इसे हॉस्पिटल लेकर जाओ, जल्दी हॉस्पिटल लेकर जाओ। Now he's okay. You can go and see. Thank you, doctor. Hmm.
अब मैं अपने बेटे की शादी किससे कराऊं? बद्री, तुम्हें पता है वो शहर छोड़कर जा रही है, सुना तुमने? जानता हूं। जानते हो? अरे वो तुमसे कितना प्यार करती है और तुम उसे छोड़ने एयरपोर्ट तक नहीं जा सकते थे? सोच रहा हूं क्या करूं। अफसोस, जाना तो चाहता हूं मगर मैं जा नहीं पा रहा हूं। लेकिन क्यों? एक लड़की की साथ शादी करके दूसरे के साथ धोखा किया है। नो बद्री, यू आर रॉन्ग। उसने जानबूझकर तुम्हें अपने से अलग किया है और मैं उसकी मजबूरी अच्छी तरह समझ सकता हूं। जानते हो विनीता ने ऐसा क्यों किया? बद्री के घर वालों का मुझ पर बहुत बड़ा एहसान है। बद्री के माँ पापा ने मुझे बहुत लाड़ प्यार से पाला है और वो लोग मेरी शादी बद्री से करवाना चाहते थे। मुझे कभी भी किसी चीज की कमी नहीं होने दी उन लोगों ने। अगर मैं उस घर की बहू बनती तो पता है मैं उन्हें क्या गिफ्ट देती? उस घर को एक सुनापन और बद्री को जिंदगी भर के लिए दर्द, क्योंकि मैं मां नहीं बन सकती। एक छोटी सी प्रॉब्लम की वजह से मुझे गर्भाशय निकालना पड़ा और ये ऑपरेशन किसने किया जानते हैं? बद्री के माता पिता ने। बाद में अगर बद्री के साथ शादी करूं तो उसके साथ बहुत बड़ा धोखा होगा। बद्री को अगर ये बात बताती तो वो कभी इस बात को नहीं समझता। अपनी जिद पूरी करने के लिए बद्री कुछ भी कर सकता है, इसलिए मैंने एक शर्त लगाई। सुजाता को जानने के बाद मैंने ये फैसला किया। सुजाता ही बद्री के लिए परफेक्ट लड़की है। उन दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी रहेगी। दोनों की शादी करवा दीजिए। वो बहुत अच्छा इंसान है। सुजाता उसके साथ खुश रहेगी, बद्री भी उसे बहुत खुश रखेगा। क्यों किया तुमने ऐसा? क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं था या मेरे प्यार पर तुम्हें शक हो रहा था? तुमने मेरी मम्मी को बताया, मेरे डैडी को भी बताया, उन दोनों ने तुम्हें समझा, तो क्या मैं ही हूं जो तुम्हें समझ नहीं पाता? क्या बच्चे के बिना जिंदगी जी नहीं जा सकती? क्यों दूर जा रही हो मुझसे? इसलिए कि तुम मां नहीं बन सकती। तुम्हारे बिना मैं एक पल भी नहीं जी सकता। अगर तुम्हारे बिना जीना पड़ जाए तो वह नरक का जीवन होगा। मत जाओ तुम। तुमने आज ऐसा करके मुझे मेरे ही नजरों से गिरा दिया। आज तुमने मुझे पराया बना दिया। बद्री पर तुम्हें जरा भी भरोसा नहीं रहा। तुम्हारे इस छोटे से दर्द को हम आपस में बांट लेते, लेकिन तुमने मुझे वो मौका भी नहीं दिया। बताओ ऐसा क्यों किया? बताओ ना ऐसा क्यों? इसे और मत रुलाओ।
जब इसके बारे में हमें पता चला था तो मैं और तुम्हारी माँ बहुत रोए थे। मैंने इन्हीं हाथों से इसका ऑपरेशन किया था। बेटा, इसी ने तुम्हें बताने से मना किया था। ये महान है बेटा, इसे और मत रुला। हम चलते हैं बेटा। अपने आप को संभालना बेटा। अपना ख्याल रखना बहू। चलती हूँ बेटा। सुजाता, मेरे लिए चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम जल्दी से माँ बन जाओ। अगर तुम्हें लगता है कि मैं बद्री को छोड़ दूंगी तो ऐसा कुछ नहीं है। 6 महीने के बाद मैं लौट कर आऊंगी सौतन से झगड़ा करने के लिए। वो क्या कह रही थी? उसने कहा कि मैं तुम्हारा बहुत अच्छे से ख्याल रखूं। वो मुझसे बहुत प्यार करती है।